हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल आसुर डेटिंग जोन। गाइस, आज हम लोग कुछ इस टाइप के थंडर कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। गाइस, इस वीडियो में जितने भी बैकग्राउंड और पीएनजी यूज हुए हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। गाइस, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गाइस, अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जल्द से जल्द फॉलो कर लें। आप लोग वीडियो को देखते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते। गाइस, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, या आपके एक लाइक से मेरे को बहुत मोटिव मिलता है, और अपना एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, हम लोग पिक्सार्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं। अंदर आते हैं, आप लोगों को टूल्स पे जाना है। टूल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों को एक रिसाइज वाला ऑप्शन मिलेगा। रिसाइज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों को इसको रिसाइज, मैक्सिमम रिसाइज कर लेना। गाइस, रिसाइज करने के बाद आप लोगों को सिंपली ऐड फोटो पर जाना है। ऐड फोटो पर जाने के बाद गाइस, आप लोगों को अपने मॉडल के फ़ोटो को लाना है। मॉडल के फ़ोटो को लाने के बाद आप लोगों को जूम करना है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। गाइस, ज़्यादा बड़ा भी मत करिएगा वरना फेक सा आएगा। फिर गाइस, हम लोग जो पार्ट रह गया थोड़ा बहुत, हम लोग उसको इरेज कर लेते हैं। गाइस, हमने इरेज कर लिया है। इरेज करने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ से करना है डन। डन करने के बाद गाइस, आप लोगों को शेडो बना लेनी है। शेडो बना लिया, आप लोग को एक शेडो की पीएनजी मिलेगी, आप लोगों को सिंपली उसको ऐड कर लेना है। शेडो को ऐड करने बाद गाइस, गाइस हम लोग इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। गाइस, फिर फोटो को करना है जूम। जूम करने के बाद गाइस, आप लोगों को सिंपली नीचे, इसके नीचे लगा देना है। कुछ इस तरीके से गाइस, ये हमारा सेट हो जाएगा। गाइस, फिर हमको लोग को सिंपली ऐड फोटो पे जाना है। ऐड फोटो पे जाने के बाद आप लोगों को एक और शेडो की पीएनजी मिलेगी, आप लोगों को उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइस, हम लोगों को सिंपली इसकी साइज को छोटा करना है। छोटा करने के बाद गाइस, हम लोग अपने शूज के नीचे रख लेंगे। गाइस, इसकी ओपेसिटी हम लोग अराउंड 90 रखते हैं। गाइस, फिर हमको लोग को इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेनी है। डुप्लीकेट कॉपी बनाने के बाद गाइस, आप लोगों को सिंपली इस सूट के नीचे भी लगा लेना है। लगाने के बाद गाइस, आप लोगों को कुछ इस तरीके लगा लेते हैं। गाइस, इसकी ओपेसिटी हम लोग 70 का राउंड रखेंगे। 70 के राउंड रखते हैं। आप लोगों को यहाँ से करना है फोटो को डन। डन करने के बाद गाइस, आप लोगों को एक लाइट की पीएनजी मिलेगी, आप लोगों को सिंपली उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइस, आप लोगों को सिंपली एडजस्ट पे जाना है। एडजस्ट पे जाने के बाद आप लोगों को इसकी सेचुरेशन को फुल माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद यहाँ से करना है डन। डन करने के बाद गाइस, आप लोगों को इसकी ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद गाइस, यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके जूम कर लेना है। जूम करने के बाद यहाँ से करना है फोटो को डन। डन करने के बाद गाइस, आप लोगों को एक मून की पीएनजी मिलेगी, आप लोगों को सिंपली उसको ऐड कर लेना है। गाइस, ये रही हमारी मून की पीएनजी। गाइस, हम लोग इसको हल्का छोटा कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। गाइस, हम लोग सिंपली इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद गाइस, इरेजर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इरेजर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हम लोग इसके हार्डनेस को फुल माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हम लोग को ऐसे साइड साइड इसके इरेज कर देना है ताकि बैकग्राउंड में ये मर्ज हो जाए। मर्ज होने की जल्दी जल्दी गाइस, हम लोग गाइस कुछ इस तरीके से हम लोग जल्दी जल्दी इरेज कर लेते हैं।
गाइज ये देखिए पूरी तरीके से हमारे बैकग्राउंड में ये मर्ज हो चुका है। गाइज मर्ज होने के बाद गाइज आप लोगों को सिंपली यहाँ से करना है डन। और गाइज इसकी ओपेसिटी को हम लोग 90 के अराउंड रखेंगे। 90 के अराउंड रखने के बाद गाइज आप लोगों को यहाँ से करना है फोटो को डन। डन करने के बाद गाइज आप लोगों को सिंपली ऐड फोटो पे जाना है। ऐड फोटो पे जाने के बाद आप लोगों को एक लाइट की PNG मिलेगी, थंडर लाइट की। आप लोगों को उसको ऐड कर लेना है। गाइज हम लोग कुछ इस तरीके से रहेगी ये। गाइज हम लोग इसके एडजस्ट में जाएंगे। एडजस्ट में जाने के बाद सॉरी हुई पे टच हो गया। इसके सेचुरेशन को भी हम लोग फुल माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद ध्यान करेंगे फोटो को डन। डन करने के बाद गाइज हम लोग को इसके ब्लेंडिंग मोड को लाइटन कर देना है। लाइटन करने के बाद गाइज अपने हिसाब से इसको बड़ा कर लीजिएगा। फिर गाइज हम लोग चलेंगे इरेजर वाले ऑप्शन पे, जो साइड साइड रह गया है गाइज। गाइज इरेजर वाले ऑप्शन से हम लोग इसको ऐसे इरेज कर लेते हैं। गाइज इसके हार्डनेस को हम लोग फुल माइनस कर लेंगे। गाइज फिर हम लोग यहाँ से करेंगे फ़ोटो को डन। डन करने के बाद गाइज इसके बाद गाइज हम लोग चलते हैं ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में चलने के बाद गाइज हम लोग फ़ोटो को करते हैं सेव। फिर मिलते हैं गाइज हम लोग लाइट रूम में। गाइज हम लोग लाइट रूम में आ गए हैं। लाइट रूम में आने के बाद सिंपली मैं आप लोगों को एक प्रीसेट दूंगा। प्रीसेट पे आप लोग लाइट रूम में ऐड करने के बाद गाइज आप लोगों को 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को इसकी कॉपी सेटिंग कर लेनी है। कॉपी सेटिंग करने के बाद गाइज आप लोगों को बैक आना है। फिर अपनी ओरिजिनल फ़ोटो को खोलना है। खोलने के बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। गाइज पेस्ट करने के बाद देखिए हमारी फ़ोटो कितनी ऑसम लग रही है। गाइज देख लीजिए हमारी फ़ोटो कितनी ऑसम लग रही है। गाइज अगर आप लोगों को कुछ चेंज करना है तो सिंपली कलर वाले पर जाइएगा। यहाँ से मिक्स टूल पे, मिक्स टूल पे गाइज इसकी ल्यूमिनस को हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, चेहरे पर थोड़ा और लाइटिंग आ जाएगी। गाइज बाकी सब सही लग रहा है मेरे को। आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा। इसकी क्लैरिटी को हल्का सा बढ़ा लेते हैं, हाईलाइट को भी हल्का सा बढ़ा लेते हैं। गाइज यहाँ तक कि फ़ोटो बन चुकी है। गाइज बिफ़ोर आफ्टर करके देख लीजिए कितनी ऑसम फ़ोटो लग रही है। गाइज गाइज अभी तक आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। चलिए गाइज हम लोग मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।